जय महाकाल, आपका स्वागत है 247 में। देखिए, आप सिलेक्शन कैसे पाएंगे सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी का जो गवर्नमेंट जॉब होता है या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें कैसे आप एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाएंगे। तो उसके लिए उस थीम पर हम आए हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और सिलेक्शन पाइए, क्योंकि खाली क्लास लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्स के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। और सिलेक्शन कैसे, देखिए क्या होता है कि बच्चा जो प्रिपरेशन करता है, फर्स्ट टाइम करता है, या जो बच्चा ऑलरेडी कोचिंग ले रहा है, क्यों पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन कौन पाता है, वो स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो प्लानिंग होती है उस बच्चे की जो पहली बार एग्जाम देता है और पहली बार में सरकारी नौकरी पा जाता है। तो उसके लिए जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, जो कैसे कैसे उसको तैयारी करना होता है, क्योंकि बिना बिना गाइडलाइंस के, बिना प्लानिंग के कभी कोई सक्सेस नहीं होता है। ये आपको पता है, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए तो मैं पूरा टीम के साथ आया हूँ। मेरे साथ टीम है 247 की, जो आपको प्रॉपर प्लानिंग बताएगी कि सर कैसे कैसे उसको क्रैक किया जाएगा। मैं आपको एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद जो प्लानिंग है कैसे एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए उस प्लानिंग के अंदर, क्या क्या मॉक टेस्ट होना चाहिए या प्रैक्टिस सेट कैसे होना चाहिए, और क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे हम एग्जाम को तैयार करते हैं। एक बार सब लोग आ जाइए, सब लोग एक बार जो है, हाँ एक बार टेक्निकल टीम सर का, सर साउंड थोड़ा सा बढ़ा दो, बच्चे कह रहे हैं साउंड थोड़ा सा साउंड स्लो है। सर का साउंड थोड़ा बढ़ा दो। चलो देखिए, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्या कमियां रह जाती हैं कि हमारे कभी हम एग्जाम से चूक जाते हैं, पर आपको अब ऐसा नहीं होगा। 247 पे वो आपका पूरा प्लानिंग बता दिया जाएगा कि भाई कैसे कैसे एग्जाम को, जो बच्चा पहली दफा में सरकारी नौकरी लेता है, आखिर उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या पॉजिटिविटी होती है, कोई एग्जाम को क्रैक कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, सर मैं थोड़ा बता देता हूं इनको, उसके बाद फिर सर आपको प्रोसेस बताएंगे, मैडम आपको प्रोसेस बताएगी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे पास जो एग्जाम निकला हुआ है, सबसे पहले एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। सीजीएल बहुत ही फेवरेट एग्जाम होता है, हर बच्चे को पता है, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है। जिस बच्चे ने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, वो सीजीएल का एग्जाम दे सकता है। एग्जाम का जो डेट है 2019 का जो डेट है, वो है 2 से 11 मार्च 2020। उसके बाद ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम है। उसके बाद फिर सीएचएसएल का एग्जाम आता है, जो 10+2 लेवल पे होता है आपका। 10+2 लेवल पे आपका जो एग्जाम है, +2 लेवल पे जो आपका एग्जाम है, ये आपका सीएचएसएल का एग्जाम है। इसका जो डेट है बच्चा, इसका डेट है 16 से 27 मार्च 2020। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है, आप कैलेंडर को देख सकते हो। उसके बाद बेटा सीपीओ का डेट है। सीपीओ का मतलब आप सभी को समझते हो भाई, जिसको भी एकदम जो दिल्ली पुलिस में जाना, सब इंस्पेक्टर लगना, एकदम सारे लगाने हैं, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ सीआरपीएफ जो भी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सब पैरामिलिट्री फोर्स में, अगर आप डिफेंस के शौकीन हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के शौकीन हैं, तो आप सीपीओ के एग्जाम का तैयारी करिए। सीपीओ के एग्जाम क्या है, 9 दिसंबर डेट है उसका, 9 दिसंबर पेपर वन का डेट है, 9 दिसंबर 2019। ठीक है ना, और पेपर टू का जो डेट है वो 21 जून को है। ठीक है, टाइम पूरा मिल रहा है आपको इसको। तीसरा जो ये सीपीओ का एग्जाम भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस आपका जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस SI-20 के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट अगर एमटीएस के अंदर है, 10+10th बेसिस पर जो एग्जाम होता है एमटीएस का, जो मल्टी टास्किंग स्टाफ का जो एग्जाम है, उसका जो पेपर टू है वो 17 नवंबर 2019 को है। चलिए, अगर आप टेक्निकल में इंजीनियर हैं, आप डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, आप टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बच्चा टेक्निकल का जो एग्जाम्स है, जो पेपर टू है, वो आपका 29 दिसंबर को है। ये सभी इन्फॉर्मेशन, जो सभी सूचनाएं सरकारी नौकरी की है, ये हमारे SSC@adda.com पे आपको मिल जाएगा। इस पे आप इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। ठीक है बेटा, इस पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको SSC@adda.com पे मिल जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको बताया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको SSC@adda.com पे, क्योंकि SSC का कैलेंडर आ चुका है, सारी नोटिफिकेशन उसमें है। तो जल्दी से जल्दी आप जो भी विद्यार्थी हैं, हाँ जल्दी से जल्दी जो भी विद्यार्थी जुड़ चुका है इस एज, हाँ एज का जो फैक्टर्स है, एज आपको जो नोटिफिकेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ SSC@adda.com पे, इसका जो कैलेंडर आया हुआ है उस पर एज का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एज वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम जो एज होती है वो 30 साल तक होती है, बाकी रिजर्वेशन लगता है। 30 मैक्सिमम जो SSC का जो एज होता है वो 30 ईयर तक होता है। कुछ पोस्टों की एज कम होती है SSC में, बाकी 30 साल मैक्सिमम एज होती है। इसके बाद रिजर्वेशन कोटा लगता है, SC ST OBC का लगता है। ठीक है, तो एक बार सर आएंगे, आपको बताएंगे कि भाई हम कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे, उसके बाद मैडम आपको बताएंगे कि प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है कि पहली दफ़ा मैं पेपर दूं और सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, खाकी वर्दी मेरी बदन पर आ जाए। तो सर आपका स्वागत है, एक बार आइए, थोड़ा सा बच्चों को बताइए क्या प्रोसेस है, क्या वो कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन दिया। पूरा SSC का एक कैलेंडर, जो SSC का कैलेंडर एक होना चाहिए, जो SSC कैलेंडर एक आ चुका है आपके सामने, सर ने रिप्रेजेंट किया कि एग्जाम आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे और
और भी ढेर सारे एग्जाम्स हैं, टेक्निकल एग्जाम्स कौन कौन से हैं, सभी एग्जाम के बारे में आपके फेवरेट धांसू सर ने बताया आपको कि कब कब जो है आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आपके सामने बच्चों कैलेंडर तो ऑलरेडी आ चुका है, आपका पूरा साल मतलब 2021 तक का ये वो SSC है, नया SSC है सर, जहाँ पे सर SSC टाइम से एग्जाम ले रहा है, टाइम पे सभी कुछ एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, टाइम पे रिजल्ट दे रहा है। तो यार आपका जो है टाइम पे अब सभी एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट अभी आपका आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से कंसिस्टेंट बना रहना है। आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्स हैं, तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगा। एक सिंपल सा फंडा है सर ने बताया ना, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री आपको बताना है, तो मैं आपको बताऊं स्टेप वन क्या है, आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, कैसे करना है, तो आपको SSCAdda.com जो है फॉलो करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है SSCAdda का ये आपको फॉलो करना है, सर की क्लासेस लेनी है, मैम की क्लासेस आपको जो है रेगुलर फॉलो आपको करते रहना है। 8 बजे मैं एक बात बता देता हूँ, 8 बजे जो मैं ट्रिक का क्लास लेके आता हूँ, तो बिल्कुल सर ने सही कहा, 8 बजे जो मेरा ट्रिक का क्लास आता है, शॉर्ट ट्रिक का क्लास, धांसू ट्रिक 8 बजे आता है, उसको लीजिए। आज जो क्लास मैं लेकर आऊँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि SSC के अंदर एडवांस मैथ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ट्रिक की अप्रोच है कि सेकंड में कैसे क्वेश्चन को डा जाए। 9 बजे कंसेप्ट टॉपिक वाइज मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैडम की क्लास होती है, रीजनिंग की एक्सपर्ट है मैडम क्लास, 8 बजे एक ट्रिक का क्लास आता है, उसके बाद 9 बजे क्लास आती है। तो भैया रेगुलर मिर्ची ट्रिक जो है लेके आपके लिए आती है। तो बच्चों जो है सबसे पहले बात जो है मैम ने, आप सर ने जैसे सर आपको दो मिनट में एक सेकंड में जो है क्वेश्चंस को यूं उड़वाते हैं, मैम आपके लिए मिर्ची ट्रिक लेके आती है। तो जैसे आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, सर ने आपको सिखा दिया, मैम ने सिखा दिया आपको, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी अपने घर पे प्रैक्टिस करना है, तभी जाके जो है एग्जाम में, जैसे सर एक मिनट में उसे ऐसे जो है क्वेश्चंस को यूं उड़ाते हैं, तो आपको भी एग्जाम में यूं उड़ाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने बता दिया, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपका एग्जाम जब ऑनलाइन होगा तो आपको ऑनलाइन जो है पेपर देना पड़ेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मॉक टेस्ट आपके सामने ढेर सारा कैलेंडर जो है, ढेर सारे एग्जाम जो आपके सामने तैयार हैं, पूरा 2021 तक का जो SSC ने कैलेंडर दे दिया, लेकिन आपको 2021 तक का वेट नहीं करना है, आपको 2019 और 2020 में जो है आपको जो एग्जाम क्लियर करके सरकारी नौकरी आपको पा लेनी है, ठीक है। तो आपको जो है मॉक प्रैक्टिस करना है, जितने सारे एग्जाम्स हैं। अब इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या है, एक नया स्ट्रक्चर, एक नया फ्रेम लेके आए, जहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो है मॉक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार एक सब्सक्रिप्शन करो, प्रैक्टिस करो और जो है अपना जो है यहाँ पे सक्सेस पालो। मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, इससे पहले मैं चाहूंगा कि मैम जो है थोड़ा सा गाइड करे अपने आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये मॉक कहाँ से आपको कैसे लगाना है, क्या आपको करना है। उससे पहले जो है मिर्ची ट्रिक के बारे में मैम से जानते हैं। चलिए पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो देखिए, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप SSC में मैथ करिए, रीजनिंग करिए, इंग्लिश करिए, GS, मैथ तो आपको करा ही रहे हैं धासु सर, उनसे बेहतर कौन करा सकता है मैथ, ठीक है। उनका रात को 8 बजे शो आता है ट्रिक्स का, एंड देन उसके बाद 9 बजे वो कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अभी कुछ पूछा था इवनिंग या मॉर्निंग, तो सर का जो चलता है वो इवनिंग में चलता है, रात को नाइट में, ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ SSC के बारे में, तो SSC में हमारा जो 4 सब्जेक्ट होते हैं प्री में, यदि मैं बात करूँ, और सबसे पहली बात है ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर के साथ SSC ने एक बहुत अच्छी बात कर दी है कि वो टाइम पे पेपर ले रहा है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन जब भी आप अपना एग्जाम के बारे में सोचो, कोई भी एग्जाम देने के बारे में सोचो, हमेशा आपके दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए, मॉक टेस्ट। क्योंकि वो क्या होता है, मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड का पता चलता है, प्रेशर कम होता है। जितनी बार आप मॉक टेस्ट दोगे, वहां पे आपको स्किप करने की आदत पता चलेगा। क्योंकि आप क्या करते हो, एग्जाम जब आता है, एग्जाम में जब आप बैठते हो, जब आप SSC सीजल दिया हो या CPO दिया हो, वहां पे आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप करने की आदत होती है आपकी मॉक टेस्ट से आती है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, आपको पता है ये क्वेश्चन नहीं निकला, स्किप करो। स्किप करने से क्या होगा, आपका वो टाइम बचेगा। आप क्या करते हो, सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, चाहे वो रीजनिंग और मैथ में बच्चा फंसता है, GS और इंग्लिश तो उड़ा ही देते हैं, ठीक है। बच्चा फंसता है मैथ और रीजनिंग में, उसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन आसान लगता है आपको, लेकिन आपको लगता है कि आसान है, हो नहीं पा रहा। वो हो इसलिए नहीं पा रहा होता क्योंकि प्रैक्टिस, ऊपर से आपका जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए मॉक टेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी तैयारी करने बैठो, तो आपको हमेशा मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। डेली के 2 मॉक टेस्ट की तो मैं सजेशन दूंगी कि आपको डेली 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, ठीक है। देखो मैडम ने जो बोला मैं उसको बता देता हूँ, एक्चुअली कंपटीशन क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ आपने पढ़ रखा, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, बस ये चीज समझ लीजिए, 1 घंटे का आपका पेपर होता है और 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन होता है,
तो एक क्वेश्चन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 36 सेकंड होता है, 36 सेकंड में क्वेश्चन बनाना होता है। आपके पेपर में मैथ आता है, आपके पेपर में इंग्लिश आती है, आपके पेपर में रीजनिंग आती है, आपके पेपर में जीएस आती है। मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि जो जीएस है उसको आप एक सेकंड में भी बना सकते हो, क्वेश्चन आता है तो आप बना दोगे। इंग्लिश है उसकी वोकैब अगर आपको याद है तो आप एक सेकंड में बना सकते हो। दो ही सब्जेक्ट फंसते हैं, एक मैथ फंसता है और एक रीजनिंग फंसते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को पढ़ने में उसको समझने में सेकंड ही लग जाते, सेकंड क्या मिनट लग जाते हैं, उसको बनाने की तो बात दूर रही। तो जो 36 सेकंड का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा जो खराब होता है, मतलब टाइम जो क्वेश्चन करने में होता है वो मैथ में खराब होता है और रीजनिंग में। तो मैथ के लिए जो मैं शो लेके आया हूं रात को शाम को 8 बजे जो ट्रिक का शो लेके आऊँ, इसलिए कि जिससे आपका टाइम बचे, क्वेश्चन को बिना फार्मूले याद किए आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का शो करूंगा। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस खूब पढ़ते हो, कोई फार्मूला मत पढ़िए, ऐसे काट दीजिए फार्मूले को। जितनी भी किताबी ज्ञान है उसको नहीं पढ़ने का भाई, किताबी ज्ञान से अगर बच्चा सिलेक्शन होता, देसी भाषा में समझा रहा हूं, तो नौकरी कब की मिल जाती, कोई जरूरत नहीं थी कोचिंग सेंटर में जाने की, या कोई जरूरत नहीं थी आपको हमारा ये शो देखने की। आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कैसे आपको मैथ पढ़ाया जाए, कैसे आपके दिमाग में, अगर स्कूल में आपने मैथ पढ़ा और आपको फार्मूले याद नहीं होते थे, मैथ समझ में नहीं आता था, उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन का मैथ बिल्कुल अलग है, जो मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल मैथ अलग है। ऑप्शन को ट्रैक करिए, जय माता दी माता रानी के दिन चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, पेपर ऐसे करना होता है। सर ने जो समझाया कि भैया अगर आप सीधा मैदान में जाके एसएससी के उसमें एग्जाम सेंटर में जाके भाई बिना प्रिपरेशन के आप चले जाओ तो आप 100% एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। मॉक टेस्ट को लीजिए, पहले एक लगाइए फिर दो तीन चार, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए आज मैंने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो उसके मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप डेली प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ये समझिए कि धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। हो सकता है पहले दिन आपसे एक क्वेश्चन बने, दूसरे दिन दो बनेंगे, तीसरे दिन तीन, एक दिन ऐसा आएगा 100 के 100 सवाल आप बनाने लगोगे। बेटा देखो, प्लानिंग से चलोगे तो 100% एग्जाम सक्सेस हो जाओगे, अगर प्लानिंग से नहीं चलोगे तो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारी कितनी है, कंपटीशन कितना। आपका कंपटीशन किसी 100-200 बच्चों से नहीं है, लाखों बच्चों से है, करोड़ों बच्चों से आपका कंपटीशन। तो बिल्कुल सही कहा सर, यहाँ पे मैम आपको जो एक मिनट में जो ट्रिक सिखा रही है उस ट्रिक को जो है आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आपको डेली मैम ने बताया आपको दो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, तो मॉक टेस्ट देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि एक पेज खोले जहां पे आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब प्रैक्टिस एंड सक्सीड, मतलब आपको इसमें सब्सक्राइब करना है, प्रैक्टिस करना है और जो है सफलता हासिल करनी है। ठीक है, एक बार नीचे आइए, ये देखिए तो बच्चों इसका नाम है, इसका नाम है वाई प्रीमियम प्लस। ठीक है, एसएससी प्रीमियम प्लस है। अब ये प्रीमियम प्लस जो है आपको क्यों लेना चाहिए, यहाँ पे क्या है, आपको अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मतलब अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलेंगे, जितने सारे आपके एग्जाम्स है सर ने आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ था और जो भी अगला एग्जाम है नोटिफिकेशन ssc.com पे है, वहां पे अवेलेबल आपको हर एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल जो है मिलने वाला है। कंटेंट जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जा रहा है, सर मैम और बहुत सारे से फैकल्टी हैं यहाँ पे, सबके गाइडेंस में जो है यहाँ पे जो है कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है। 24/7 जो है डाउट्स फैकल्टी जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ में है और आपके डाउट्स जो है क्लियर होंगे। लाइव काउंसलिंग सेशन आपको दिया जाएगा, लाइव काउंसलिंग सेशन आपको इन द सेंस कि आपको टेलीग्राम चैनल्स हमारे बने हुए, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं और आपको जो है वहाँ पे हर 24/7 जो है आपको लाइव काउंसलिंग जो है आपको दिया जाएगा। अब अगला क्या है, एक बार नीचे कीजिए। अब यहाँ पे आपको डेली असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स का मैगजीन्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपर स्टडी प्लान आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ई नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सभी जो है जितने सारे फीचर्स हैं सभी यहाँ पे जो है आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दिखते हैं उनके गाइडेंस में जो है ये बनाया जा रहा है। पूरी जो कॉन्टेंट टीम है, जो एक्सपर्ट कॉन्टेंट टीम है, उनके गाइडेंस में ये चीज़ें जो है की जा रही है। यहाँ पे प्रीमियम प्लस में आपको क्या मिलने वाला है, फुल लेंथ मॉक मिलेगा आपको, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, सर का जो और मैम का जो एक मिनट का जो ट्रिक होता है उसी ट्रिक हिसाब से आपको लगाना है, सॉल्यूशन भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न का ईबुक मिलेगा और ये जो क्वेश्चंस जो है आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में जो है आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है इस पे सब्सक्राइब करना है और एक बार नीचे आइए आप, आपको एक अब जो है बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है इस सब्सक्रिप्शन में न्यू ट्रेसरी जो एडेड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, सीपीओ के, अगर सीपीओ के देखो तो टीयर वन है, प्राइम है, हरियाणा एसएससी का जो है कैनल पटवारी का एग्जाम आया था, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, तो यहाँ पे ये ढेर सारे जो ट्रेसरीज है जो न्यू ट्रेसरी जो है इसमें आपको ये प्रीमियम प्लस में एड हुए हैं। उसके बाद जो है एक बार और नीचे आइए, जो अपकमिंग जो ट्रेसरीज है, अपकमिंग जो आपका एग्जाम है सीजीएल जो है 2020 वाला, सीएचएसएल 2020, एसएससी जेई का एग्जाम जो है 2020 का है, ये सारे एग्जाम जो है आपको इस प्रीमियम प्लस में ऐड होंगे। आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए इस पेज का लिंक जो है आपको इसका पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको बता दूं प्राइस बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल कम मतलब बिल्कुल ही कम है। ठीक है, नेगलिजिबल प्राइस पे जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अब एक बार नीचे आइए,
अब इसका बच्चों प्राइस क्या है, देखो ये दो पार्ट में हमने बांटा है, एक है 12 मंथ्स और एक है 6 मंथ, ठीक है। 12 मंथ्स का प्राइस जो है 999 है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, और 6 मंथ्स का जो प्राइस है 699 है, यहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब करना है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो प्राइस है इसमें भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब क्या है, जो 12 मंथ्स का जो है 999 में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे 600 रुपये में मात्र 600 रुपये में जो है 12 मंथ्स के लिए जो है आपको SSC के हर एक टेस्ट सीरीज जो है मिलने वाली है। धमाका आपके लिए लगा हुआ है, बिल्कुल दिवाली और दशहरा के लिए एकदम जबरदस्त ऑफर है ये, 9999 का आपको 999 मिल रहा है। देखिए कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और उस पर भी ऑफर है, और यहाँ पे ये आपको 4999 का उसको 699 में दे रहे हैं 6 मंथ के लिए, तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखिए 6 मंथ का जो है, आप एक बार स्क्रीन पे ले आइए, ठीक है। अब जो बच्चों आप देखो कि 6 मंथ्स का जो आपका था, ये 6 मंथ्स का जो है 699 का आप वहां पे देख रहे थे, लेकिन आपको उस पे भी जो है क्या है 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आपको कितने का पड़ने वाला है, साल का है वो आपको 600 में पड़ेगा, 6 महीने ये मात्र 360 का पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि हां, ये आपका 40% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ये 40% का डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, तो आपको कोड लगाना है FEST40, ठीक है। आपको कोड क्या लगाना है, FEST40, तो हमने इसका कोड जो है FEST40 रखा है। आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इस पेज का लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में जो है हमारे बच्चे डाल रहे हैं, आप यहां से जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये सब्सक्राइब करना है। 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का पूरा टेस्ट जो है आपको बिल्कुल ही इतने प्राइस में, इसके नौकरी नहीं मिलेगी। आप मान लो जो सर ने कहा, देखिए 600-360 की मैं बात करता हूँ, तो सिंपल देख लीजिए, अगर फोटो कॉपी भी करवाओगे ना एक नोट की, तो वो भी इनसे ज्यादा पड़ेगी। अगर मेरा मैथ्स का जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पूरा अगर आप प्रिंटआउट भी निकालोगे तो वो भी कॉस्टली ज्यादा आ जाएगा। पर ये तो बहुत ही कम सीरीज में सर ने बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल कॉस्ट, यार मैं ये कहूंगा भाई, आप जो मैं आपको PDF देता हूँ उसका प्रिंटआउट निकालना, जितने मैंने अभी तक पढ़ा दिए 70-80 मैंने, मेरा लेक्चर हो चुका है, 70-80 मेरी क्लास हो चुकी है, ट्रिक और कंसेप्ट को मिला के आप उनकी प्रिंटआउट निकाल लेना बेटा। प्रिंटआउट निकालने में 5-2 रुपये लगते हैं कम से कम, तो उससे भी आप कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़े, बट ये फ्री में देखिए सारा कुछ आपको 600-360 रुपये में बिल्कुल मिल रहा है, तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मुझे नहीं लगता कि एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इन केस बच्चों अगर कोई आपको डाउट होती है तो मैं आपको एक मेल आईडी, ये डिस्काउंट के बाद ये बेटा, ये 9999 का था, जिसपे बिल्कुल डिस्काउंट करने के बाद पूरा साल का 600 मिल रहा है। ये दिवाली ऑफर चल रहा है, जबरदस्त ऑफर चल रहा है एकदम जो है, और 6 महीने का 360 में मिल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आ रहा। ये लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए दशहरे तक है, दशहरे के बाद हो सकता है इसको क्लोज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दशहरा का रावण को फूंक दिया, काम खत्म है, सीधा दिवाली का इंतजार करेंगे, दिवाली पर नया ऑफर देखेंगे कोई आएगा तो ये दशहरा के लिए बेहतरीन ऑफर है, इसको जल्दी से जल्दी सेल करना। देखिए तो ये दशहरा के लिए ऑफर है, आपके लिए दिवाली के लिए दशहरा, सब्सक्राइब करना है सबसे पहले और इस ऑफर को ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड टाइम के लिए, अगर नहीं लिया तो भैया फिर बड़ा पछताना पड़ जाएगा। आला रे आला सर, यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एक बार सर आला रे आला कर दो। एकदम धांसू ऑफर आला भैया, तो ये बहुत जबरदस्त धांसू ऑफर है, 600 रुपये 360। अरे 600 रुपये का तो आप, मुझे पता कोल्ड ड्रिंक ठंडा पंडा पी जाते होंगे भैया। ये ऐसे में आपका अगर सरकारी नौकरी निकल रहा है 600-300 रुपये में, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग है बेटा, आज ही खरीद दो सारा एकदम, जितना भी स्टॉक में माल है सब ले जाइए एकदम जो है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मेल आईडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है blogger@adda247.com, आपको इसके कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। बिल्कुल उड़ा दो यार, गर्दा उड़ा दो, गर्दा सर ने। और 8 बजे मिलते हैं आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री का बिना फार्मूले के साथ, और मैडम बिल्कुल 9 बजे सुबह लेके आती है, मेरे रात में होता है क्लास। तो चलो यार प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ और जो है सिलेक्शन पाओ और गर्दा उड़ा दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय महाकाल, जय माता दी।